अब आइए आपको दिखाते हैं कि हनीप्रीत पर किस तरह के आरोप जो हैं वो लगे हैं। और आज बहुत ही बड़ा दिन है हनीप्रीत के लिए, क्योंकि हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होंगे। हनीप्रीत के हर राज से उठेगा पर्दा। हनीप्रीत के हर गुनाह का होगा हिसाब। देख रहे हैं पंचकुला कोर्ट कैंपस के बाहर से, जहां जबरदस्त आगजनी हिंसा हुई है। देखिए दोबारा बुलाया जा रहा है, ये देखिए गोली, अब फायरिंग हुई है। और देखिए किस तरह से मारे जा रहे हैं, ये देखिए कहा जा रहा है। सड़सठ गवाहों के सामने होगी हनीप्रीत की अग्नि परीक्षा। अगस्त 2017 को जब सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दिया था, तब अचानक पंचकुला और सिरसा समेत हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भयानक हिंसा फैल गई थी। पथराव और आगजनी की कई घटनाएं हुई थी। अकेला चैनल है जो इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा है, ये देखिए अकेला टीवी चैनल इस जगह पर मौजूद है जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे हुई है आगजनी। देखिए पंचकुला में दूर तक आसमान में उठता धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं है, इसका जिम्मेदार कौन है? उस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन है। पुलिस ने जांच के बाद जो चार्जशीट दायर की, उससे खुलासा हुआ कि इस हिंसा की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत थी। हनीप्रीत के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर में पुलिस ने हनीप्रीत समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में 67 गवाहों के नाम हैं, जो हनीप्रीत के राज कोर्ट में खोलेंगे। हिंसा फैलाने वालों में हनीप्रीत के अलावा आदित्य इंसा, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, दिलावर इंसा, दान सिंह, चमकौर सिंह और गोविंद राम का भी नाम शामिल है। इन आरोपियों में आदित्य इंसा और महेंद्र इंसा अब तक फरार हैं, लेकिन 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में हनीप्रीत को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। उसके खिलाफ धारा 120 भी, यानी आपराधिक साजिश रचने, और 121 यानी राष्ट्र के खिलाफ जंग छेड़ने यानी देशद्रोह, और 121A यानी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचने जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। हरियाणा पुलिस का दावा है कि पंचकुला हिंसा की साजिश डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग में रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उस सीक्रेट मीटिंग का भी जिक्र किया है, जो एक बंद कमरे में हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डेरा मैनेजमेंट से जुड़े तमाम लोगों को हनीप्रीत ने ही ड्यूटी बांटी थी। पंचकुला कोर्ट में राम रहीम की पेशी 25 अगस्त को होनी थी, लेकिन प्लानिंग के मुताबिक वहां 20 तारीख से ही भीड़ इकट्ठा करने का इंतजाम हुआ। भीड़ के खाने पीने और दूसरे इंतजामों की जिम्मेदारी चमकौर सिंह को दी गई। हनीप्रीत ने यह प्लान भी बनाया था कि अगर राम रहीम दोषी करार दिया गया तो राम रहीम के निजी सुरक्षा में लगे पुलिस वाले भीड़ की मदद से उसे गिरफ्त से बाहर निकाल ले जाएंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने पूछताछ में डेरे से जुड़े ऐसे कई लोगों के नाम बताए थे जो पंचकुला हिंसा की साजिश में शामिल थे। साथ ही हनीप्रीत ने उन लोगों के बारे में भी पुलिस को खुलकर बताया था जिनकी मदद से वो 38 दिनों तक पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलती रही थी। पुलिस ने उनमें से कई लोगों को हनीप्रीत के साथ आरोपी बनाया है। सूत्रों के मुताबिक उनमें से कुछ लोग हनीप्रीत के खिलाफ गवाही भी दे सकते हैं। तो आपको याद होगा कि राम रहीम की पेशी के दौरान पंचकुला में हिंसा हुई थी और उस हिंसा को फैलाने का आरोप ही हनीप्रीत समेत कुल 15 लोगों पर लगा है। हनीप्रीत के मामले में आज सुनवाई होने वाली है और उससे पहले कल पंचकुला पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। राम रहीम के करीबी और डेरा के अनुयायी भंगीदास कस्तूर इंसा को सिरसा की SIT टीम ने गिरफ्तार किया है। भंगीदास पर 25 अगस्त को सिरसा में हिंसा फैलाने का आरोप लगा है। तो जो सिरसा में हिंसा हुई थी, अब तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये उसी भंगीदास की है जिस पर आरोप लगा है, बेहद ही करीबी राम रहीम का। हालांकि राम रहीम अभी बलात्कार के दोष में जेल में बंद है, लेकिन आपको ये बता दें कि राम रहीम के जेल जाते वक्त हिंसा हुई पंचकुला में, हिंसा हुई सिरसा में,
जो सिरसा में हिंसा हुई थी उसका ये आरोपी है भंगी दास। मस्तूर हिंसा को हमने गिरफ्तार किया है। एक तो सिरसा में जो हिंसा हुई थी वीटा मिल प्लांट पर और एक जगदम्बे पेपर मिल, इन दोनों मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय अदालत ने उसको 14 दिन की डिविजनल रिमांड पर भेज दिया है। तो एक और आरोपी पकड़ा गया सिरसा में हुई हिंसा का, हनीप्रीत पर आज आरोप तय होने हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।